हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है एडाइकन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियाज गॉट टैलेंट में। बस अब तीन ऐसे कंटेस्टेंट का टीम था जिसमें एक बैड सालसा भी थी जिसपे एलिमिनेशन का खतरा था और एलिमिनेट भी हुए हैं। और इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि अगले हफ्ते कौन होगा एलिमिनेट, किस पे ज़्यादा खतरा है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस हफ्ते इंडियाज गॉट टैलेंट के एलिमिनेशन राउंड को देखा जाए तो इस हफ्ते वर्कआउट वॉरियर और यूफनी और फिर से क्या कहते हैं कि बैड सालसा, ये तीन ऐसे कंटेस्टेंट का ये टीम और जोड़ी था जो जिससे एलिमिनेशन का सवाल उठा है। अब मैं आपको बता दूं कि कौन हुआ है एलिमिनेट। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि वर्कआउट वॉरियर ये हो चुके हैं सो से एलिमिनेट, आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। और यूफनी इनका भी टीम पूरा हो चुका है एलिमिनेट सारे इंडियाज गॉट टैलेंट से। अब मैं आपको बता दूं बैड सालसा भी बॉटम में है, इनके भी ऊपर एलिमिनेशन का खतरा था बट बैड सालसा मतलब कि ये दोनों की जोड़ी बच गई। अब भाई साहब अगले हफ्ते किसका हो सकता है एलिमिनेशन, तो भाई साहब अगले हफ्ते जो एलिमिनेशन होगा वो बैड सालसा का हो सकता है, क्योंकि अगर इस हफ्ते का परफॉर्मेंस में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखा जज लोगों को तो एलिमिनेट नहीं करेंगे, वरना तो भाई एलिमिनेट करना ही क्योंकि भाई वो भी बॉटम में है। सो गाइस यही है सच्चाई। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इन तीनों में से किसी को एलिमिनेट होना चाहिए था, मतलब किसी को एलिमिनेट नहीं होना चाहिए था कि क्या, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सच्चाई मेरे भाई, लव यू गाइस एंड थैंक यू मेरे भाई लोग।